दोस्तों, आप सबका फेवरेट शो कुंडली भाग्य और इस टीवी शो को लेकर एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि इस टीवी शो में करण लूथरा के किरदार को जिंदा रखा हुआ है। जी हाँ, आखिरकार धीरज धूपर ने इस किरदार को प्ले किया और शो को उन्होंने एग्जिट कर दिया, लेकिन क्या अब उनकी शो में वापसी होने वाली है? तो चलिए आपको बताते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में क्या जबरदस्त चीज आने वाली है। करण लूथरा का जो किरदार है वो जिंदा है, इसका एक बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं जहां पर ऋषभ जो कि ऑक्शन जीतने वाला होगा और वहीं पर ही उसका जो मैनेजर है अर्जुन का मैनेजर वो आ जाएगा और वो राजशिव राठौर कैसल को जीतने के लिए हायर बिड लगाएगा और बाद में अर्जुन जो कि मुंबई आता है ऋषभ के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए, बट उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं अंजलि जो कि ये सब जानती है और वो निधि को इन्फॉर्म करती है इस पूरे चीज के बारे में। वहीं राखी जो कि एक स्पेशल पूजा ऑर्गेनाइज करती है और पंडित वशिष्ठ को बुलाया जाता है उस स्पेशल पूजा में। और अपकमिंग एपिसोड में जब पंडित वशिष्ठ जो कि देखते हैं कि करण की फोटो पर एक माला चढ़ी हुई है चंदन की, और इसी जल्दी में वो उसी माला को हटा देते हैं और सब ये कहते हैं कि आखिरकार आपने माला क्यों हटाई, जिस पर वो कहते हैं पंडित वशिष्ठ कि ये मरे हुए लोगों पर ही माला को चढ़ाया जाता है। वहीं ऋषभ जो कि मेंशन करता है कि करण इज डेड, कि करण अब जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। वहीं पंडित वशिष्ठ इसी बात पर एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं कि करण अभी भी जिंदा है, और ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद पूरी लूथरा फैमिली जो कि शॉक में आ जाती है कि आखिरकार करण जिंदा कैसे हो सकता है और क्या अब प्रीता अपने करण को ढूंढ पाएगी। आखिरकार अपकमिंग एपिसोड कितना जबरदस्त आने वाला है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप कभी भी मिस ना करें।